शांति। आज की तारीख है 5/9/21 और आज हम सुनेंगे प्राण प्यारे मीठे मीठे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली। तारीख है 15/3/88 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है नई दुनिया की तस्वीर का आधार वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। आज विश्व रचता विश्व की श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले बाप दादा अपने श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर हो। ब्राह्मण जीवन की तस्वीर से भविष्य की श्रेष्ठ तकदीर स्पष्ट दिखाई देती है। ब्राह्मण जीवन का हर श्रेष्ठ कर्म भविष्य श्रेष्ठ फल का अनुभव कराता है। ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ संकल्प भविष्य का श्रेष्ठ संस्कार स्पष्ट करता है। तो वर्तमान ब्राह्मण जीवन की तस्वीर भविष्य तकदीरवान संसार की। बाप दादा ऐसे भविष्य की तस्वीर बच्चों को देख हर्षित होते हैं। तस्वीर भी आप हो, भविष्य की तकदीर के आधार मूर्त भी आप हो। आप श्रेष्ठ बनते तभी दुनिया भी श्रेष्ठ बनती है। आपकी उड़ती कला की स्थिति तो विश्व भी उड़ती कला है। आप ब्राह्मण आत्माएं समय प्रति समय जैसी स्टेज से पास करते तो विश्व की स्टेजिस भी परिवर्तन होती रहती है। आपकी सत्वप्रधान स्थिति है तो विश्व भी सत्वप्रधान है, गोल्डन एजेड है। आप बदलते हो तो दुनिया बदलती है, बदल जाती है। इतने आप आधार मूर्त हो। तो अब हम सुनेंगे मीठे मीठे बाप दादा के द्वारा, क्या सुनेंगे? महिमा युक्त याद प्यार। तो बाबा याद प्यार देते हुए बोले, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ तकदीर की श्रेष्ठ तस्वीर स्वरूप महान आत्माओं को सदा स्वयं को विश्व के आधार मूर्त अनुभव करने वाली आत्माओं को सदा अपने को प्राप्ति स्वरूप अनुभूतियों द्वारा औरों को भी प्राप्ति स्वरूप अनुभव कराने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के स्नेह और सहयोग के पदम गुना अधिकार प्राप्त करने वाली पूज्य ब्राह्मण सो देव आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा के इस याद प्यार को जब सुनते हैं तो अंदर में एक रूहानी नशा भी चढ़ता है कि वाह बाबा वाह, और वाह रे मैं, बाबा ने मुझे कितना महान बनाया। तो बाबा ने आज हम ब्राह्मण बच्चों को अपनी महानता महसूस कराई कि तुम बच्चे कितने 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 महान हो। अच्छा, अब हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान सतगुरु बाबा का, एक बाप के लव में लवलीन रह सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में
सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ भी दिखाई न दे, संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ, ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उससे स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देती है। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू का काम करता है, वो रूहानी जादूगर बन जाती है। अच्छा, अब स्लोगन है, योगी तू आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। अच्छा, ओम शांति।